हिंडन नदी में 7 गायें मृत अवस्था में पाई गईं, जिन्हें लेकर सनसनी फैल गई कि आखिर इन गायों का हत्यारा कौन है। गायों के मुंह पर बोरी लपेटकर बोरी को गर्दन पर रस्सी से बांधा हुआ था। गौ रक्षा दल के उपाध्यक्ष आशीष पाल ने बताया कि सबसे पहले एक गाय को हिंडन पुल के पास नदी में एक गाय को देखा। पास जाने पर पता चला कि गाय मरी हुई थी और उसके मुंह को बोरी से बंध कर गले पर रस्सी बांधकर बोरी को बंद किया गया था। उन्होंने अपने साथियों की मदद से गाय को बाहर निकाला तो देखा हिंडन नदी के दूसरे छोर पर भी कुछ गायों के शव पड़े हैं, जिनकी संख्या 7 थी। उनका कहना था कि ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने गायों को बोरी से ढका और मारने के लिए उनके मुंह को बोरी से ढका और बोरी को गर्दन पर रस्सी से बांध दिया, जिससे दम घुटने से सभी गाय मर गईं। इस मामले में उन्होंने डॉक्टर सौरभ को मौके पर बुलाया है, जो गायों को देखकर अन्य जानकारी दे सकेंगे। इसके अलावा गायों के अंतिम संस्कार के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन से सहयोग लेकर वे बंदोबस्त कर रहे हैं। उनका यह मानना था कि गायों को कहीं और मारकर यहां डाला गया है, लेकिन दुख की बात यह है कि पास में ही हिंडन पुलिस चौकी है। पुलिस वालों को इस घटना का पता क्यों नहीं चला? इस तरह की घटनाओं से न केवल गौ माता के साथ हुई बर्बरता की घटना का पता चलता है, बल्कि गायों के शवों के नदी में डालने से हिंडन नदी का जल भी प्रदूषित होता है, क्योंकि इस जल का प्रयोग पीने के लिए भी किया जाता है। नदी का जल प्रदूषित होने से बीमारी फैलने का अंदेशा रहता है। उनका यह भी कहना था कि हिंडन नदी के पास में एक गौशाला भी है, उसकी भी जाँच होनी चाहिए कि कहीं गाय उस गौशाला से संबंधित तो नहीं है, जिनकी मृत्यु के बाद शव को दफनाने के बदले गायों को जल में प्रवाह किया गया हो। ट्रांस हिंडन डीसीपी दीक्षा शर्मा ने बताया कि मुख्य पशु चिकित्सक डॉक्टर महेश कुमार ने बताया कि गायों का पोस्टमार्टम कर उनका बिस्तर सुरक्षित रख लिया गया है, जिससे गायों की मौत की असली वजह पता चल सके। हिंडन नदी में मृत अवस्था में 7 गाय बरामद हुई है। शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं है। मृत्यु के सही कारण जाँच करने के लिए पोस्टमार्टम कराकर विजरा प्रिजर्व किया गया है। मामले की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 4/1/2023 को थाना शहबाबाद क्षेत्र में हिंडन नदी में मृत अवस्था में 7 गाय बरामद हुई। शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं पाए गए। मृत्यु का कारण पता करने के लिए पोस्टमार्टम कराया गया है और उनका बिस्तर भी प्रिजर्व किया गया है। पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम बताया? आशीष पाल जी। मेरा नाम आशीष पाल है, मैं हिंदू परिवार गोरखपुर से बात कर रहा हूँ। और आज कल रात हमें देर रात सूचना मिली कि यहाँ पे हिंडन नदी के छठ घाट के पास एक गौ माता है जो मृत अवस्था में पड़ी हुई है। तो रात को देर रात होने के कारण हम लोग आ नहीं पाए, सब लोग अपने काम धंधे में बिजी थे। हमने सुबह ही आके यहाँ पे देखा तो यही छठ घाट के पास में एक गौ माता पड़ी हुई थी, पानी के अंदर, पानी के थोड़ा सा मतलब 10-20 मीटर अंदर पड़ी हुई थी। तो ये हमारा भाई है आशीष, जिनका भी नाम आशीष है। हमने इनको छठ इसके अंदर नदी के अंदर उतारा, उस गाय के अंदर रस्सी फंदा लगा के उसको बाहर खींचा। जब तक हम उसको बाहर खींचते मेरी नज़र पड़ गई इस तरफ घाट के उस तरफ मैंने जाके देखा तो वहाँ पे देखा मैंने लगभग 7 से 8 गौवंश की संख्या थी, जो सारी मृत थी और गायों के मुंह पे कट्टा पहना के और उनके तार से गर्दन लपेट रखी थी उस कट्टे से। कहने का मतलब है कि हत्या करके वो या तो ट्रैक्टर वगैरह में ला रहा होगा, वहाँ कहीं फेंकने की जगह नहीं मिली, उसने देखा रात हो रही है, नदी है, यहाँ पे डाल देता हूँ। इस तरीके का यहाँ पे घटनाक्रम हुआ है जो हमें लगता है। बाकी यहाँ पे डॉक्टर सौरभ जो है हमारे गाजियाबाद के, वो आए थे, उन्होंने फोरेंसिक के लिए रिपोर्ट भी कलेक्शन, स्पूटम भी कलेक्शन कर लिया है, जो जो चाहिए होता है अभी वो भी आ रहा है, देखा जाएगा, उसमें पता चलेगा कि क्या क्या है। बाकी हम जो अपने थाने में भी हम अभी तहरीर देंगे इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए। और जहाँ तक यहाँ के लोगों का, जो परिजनों का कहना है, जो गोताखोर है, उनका कहना ये है कि यहाँ पे पास में गौशाला है, नंदी पार्क गौशाला, तो कहना उनका ये है कि गौशाला। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।